गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो रेंगल मैप में इस तरीके के रिवर होते हैं उनको आप किस तरीके से क्रॉस कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। आपको चाहिए बस एक डाकिया और गाइस उस डाकिया को लेकर आपको इस रिवर के पास आ जाना है। अब गाइस देखो सबसे पहला लोकेशन है रोजो के पास में। अब आपको अपने डाकिया को लेकर आ जाना है और गाइस उसका स्पीड 100 से ऊपर का होना चाहिए। और सिंपली आपको इस तरीके से आना और ये सामने दो ट्री दिख रहे हैं आपको, इनके बीच से इस तरीके से अपने डाकिया को कूदा देना है। अब जैसे यहाँ पर आओगे आपको अपना बूस्ट बर्तन छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका जो डाकिया है वो डूब जाएगा। आप इसको इजीली क्रॉस कर लोगे और अपने हिसाब से इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जल्दी से जोन में जाना तो आप इस ट्रिक को यूज़ करना। अब जो दूसरा लोकेशन है वो होता है हमारा जॉर्ज पुल के पास में। जो यहाँ पर देख लो आपको जैसे ही आपको सामने पुश करना है, आपको आपने किसी को नॉक किया और आपको जल्दी पुश करना है तो आपको ब्रिज से नहीं जाना है, आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है। सिंपली आपको डाकिया को लेकर आ जाना है, उसका स्पीड पर ध्यान देना 100 से ऊपर का होना चाहिए और उसको इस तरीके यहाँ पर आपको जंप करा देना है। आप इजीली इसको क्रॉस कर लोगे पानी के थ्रू और जो भी एनिमी आपने सामने नॉक कर रखा है या फिर पूरी स्क्वाड भी होगी तो कहीं वो सरप्राइज हो जाएगी कि इतनी जल्दी आपने उनको ऊपर पुश कैसे कर लिया। तो गाइस ये भी ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और ट्रिक अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब गाइस चलते हैं अपने अगले लोकेशन पर जो कि होने वाला है यासना के पास। अब यासना के पास इस रिवर को भी आप इजीली क्रॉस कर सकते हो डाकिया की मदद से। आपको बस यहाँ पर ध्यान देना है जो ये पत्थर होता है और सामने एक और पत्थर ये वाला, इसके बीच से आपको डाकिया को इस तरीके से जंप करवा देना है और यहाँ से भी आप इजीली अपने डाकिया को मतलब पार कर लोगे पानी को। तो गाइस ये थे हमारे तीन ट्रिक जो कि थे रिवर क्रॉस करने के। अब गाइस अगला ट्रिक बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से एंड जोन में पानी के अंदर छुप सकते हो। हाँ गाइस यहाँ पर भी आपको पानी का किनारा मिलता है, आपको बग्गी लेके आ जाना है कुछ इस तरीके से और अपने बग्गी को थोड़ा सा पानी के अंदर करना है, यानी कि पूरा अंदर नहीं कर देना है, आपको थोड़ा सा अंदर करना है और अपने सीट को चेंज कर लेना है। आप यहाँ पर जैसे आओगे आप किसी को भी दिख नहीं पाओगे और यहाँ से आप किसी भी एनिमी को स्पॉट करके उसको मार भी सकते हो। यहाँ से गोलियाँ भी बाहर लग जाती हैं और ग्रेनेड वगैरह आपके पास कुछ भी है तो उसको आप यहाँ से थ्रो करके एनिमी को मार सकते हो। अब गाइस एंड जोन में कोई बंदा मतलब नहीं सोचता कि पानी के अंदर कोई बंदा छुप सकता है, उसको ऐसा लगता है अगर पानी के अंदर कोई बंदा गया तो वहाँ से वो फायर वगैरह नहीं कर पाएगा और उसके हाथ में गन तो रहेगा नहीं तो वो मार नहीं पाएगा। तो ऐसे में आप एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो और जो भी एनिमी यहाँ पे आते हैं उनका भी इजीली मार सकते हो। तो हाँ गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना